हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज हिमाचल की तरफ जाने का प्रोग्राम बना लिया है, नारकंडा। दिल्ली में बढ़ती हुई 50 डिग्री टेम्परेचर, अब इस गर्मी से बचने के लिए भैया एक ही रास्ता है, हिमाचल की तरफ किसी ठंडी वादियों में चला जाए। तो योगेश, अरुण बाटी और मैं, तो आप जानते हो, संदीप चौधरी आपका अपना भाई। सामने आप देखिए, हिमाचल की वादियां आपको नजर आने लगे हैं, हिमाचल के पहाड़, पर अभी भी गर्म है। गर्मी इतनी ज्यादा है कि पहाड़ शुरू हो गए हैं पर टेम्परेचर कम होने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पे भी 44 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, 42 लगभग 40 से तो ऊपर ही है। तो भाई, जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि अब तो हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। और यहाँ से सोलन करीब 42 किलोमीटर और शिमला 89 किलोमीटर। तो दोस्तों, हिमाचल में देखिए एंट्री हो चुकी है। अभी हिमाचल में चुनाव है तो इसलिए सिक्योरिटी थोड़ी टाइट है। तो शिमला की मार्केट को पार करते हुए बार बार की तरफ से ये रास्ता सीधा नारकंडा की तरफ जाता है और बिल्कुल खाली रास्ता है। देखिए, बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं है क्योंकि ये वीकेंड नहीं है। अगर वीकेंड पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रस आपको मिल जाएगा। पेड़ देखिए कितने गट्टे पड़े। हिमाचल प्रदेश की सड़कें, ये शिमला की सड़क है और देखिए आप नारकंडा की नहीं। और ये ट्रैफिक आ गया भाई, ट्रैफिक है, ये मेन शहर का ट्रैफिक रहेगा। और देख सकते हो उधर बाहर की तरफ। तो भाई, शिमला के जाम में फंसे हुए आप देखो भाई, चारों तरफ गाड़ियां लगी पड़ी है, एक लाइन में खड़े हैं सारे। दूसरी तरफ जाएंगे तो चलान हो जाएगा। शिमला जो है हिमाचल की कैपिटल है, राजधानी है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जाम 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 शिमला के अंदर लंबा लगा है जाम। तो भैया, सिंपल सी बात है, पहाड़ों में आओगे तो जाम का तो सामना करना पड़ेगा। देखिए कितना लंबा जाम लगा है। ये शहर है जी शिमला का, देखिए। और ये बीजेपी के झंडे लगे हुए यहाँ पे, क्योंकि आज क्या 29 मई है और 1 तारीख को शिमला का जो चुनाव होना है, तो लगभग सभी घरों पे देखिए आप बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं। जाम शिमला में, जाम भाई।
आधा घंटा हो गया भाई जाम में चलते चलते, लेकिन गाड़ी बड़ी रेंग रेंग के निकल रही है हमारी। तो शिमला से आगे कुफरी 10 किलोमीटर दूर कुफरी पड़ती है, कुफरी भी ये जगह देखिए चाय के लिए रुके यहाँ पे। नहीं तुम ले लो। तो भाई ये मैगी पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पे, मैगी खाओ चाय पियो। भाई गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, गाड़ी टकरा गई एक स्विफ्ट कार से। पर उखड़ गया तो समझौता करके आए हैं, दिए हैं कुछ खर्चा पानी के पैसे। रोड पे अगर एक्सीडेंट हो जाए तो भाई उलझना नहीं चाहिए ज़्यादा, जितने में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए उस कॉम्प्रोमाइज को करना चाहिए। रोड पे गाड़ी चलेगी तो कहीं ना कहीं लगती भी है हर तरीके से। तो कुफरी से करीब 40 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा नारकंडा के लिए। अब यहाँ पे भी मौसम इतना सुहाना है कि आप देख सकते हो पीछे पहाड़ियाँ, पीछे पहाड़ों पे दिख कम रहा है, लेकिन पास से दिखाएंगे जब वहां पे जाएंगे। तो कुफरी से नारकंडा की तरफ चलते हुए 40 किलोमीटर यहां से बच रहा है, पर भाई वादियां एकदम बड़ी सुंदर है। छोटा मोटा नुकसान होता रहता है, करके आए भुगत के आए चलता रहता है कोई नहीं। रोड पे निकले तो होगा भी। तो भाई एक घंटा और लगेगा नारकंडा पहुंचने में, दर्शन कराते हैं आपको नारकंडा के। ये देखिए भाई यहाँ पर जगह जगह मैगी पॉइंट बने हुए हैं और देवदार के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। काफी अच्छी है लोकेशन है ये, पर धुआं कुछ ज्यादा है आज सारी। नहीं नहीं पहाड़ों पे जैसा आग लग आग वगैरह लग जाती है। कुफरी है आप देख सकते हो सामने, कुफरी कुफरी फन पॉइंट। सर्दियों में अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको बर्फ ही मिलेगी, और मार्च जनवरी फरवरी मार्च पे अगर तो ये बर्फ मिल जाती है, उसके बाद बर्फ यहाँ से पिघल जाती है।
तो दोस्तों पूरे दिन की थकान के बाद, ट्रैवलिंग के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। और जो हमारा होम स्टे था, ये देवालय होम स्टे है जो नारकंडा से करीब 10 से 12 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके के यहाँ पर रूम है। और ये देखिए हमारे कंबल, एक छोटा सा बेड नीचे डाला हुआ है ताकि तीन आदमियों के लिए हो जाए। पूरा का पूरा जो ये होम स्टे है हमने लिया, ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है। आप देख सकते हो इसकी छत भी देखिए, बिल्कुल सारी लकड़ी से है। इसके दरवाजे तो खैर है ही लकड़ी से, और इसकी जो नीचे का फ्लोर है, आप ये फ्लोर भी देख सकते हो, ये भी लकड़ी का ही बना हुआ है। मतलब फुल्ली नेचर वाली फीलिंग आने वाली है, तो मज़ा आएगा। देखते हैं, अभी तो पहुँचते पहुँचते रात हो गई है, तो दिन में आपको दिखाएंगे। क्योंकि ये जिस लोकेशन पर, इसके चारों तरफ जो है सेब के पेड़ है, यानी सेब के बाग के बीचों बीच ये होम स्टे बना हुआ है। ये मिट्टी है, मिट्टी होती है ना, जैसे गांवों में दीवार बनाते हैं उस तरह की मिट्टी है ये। और भाई ये हिरन के सर पे लाइट है, दूसरा हिरन हो रहा। तो कहने का मतलब है कि जैसे गांव के अंदर बिल्कुल देसी स्टाइल में जो, तो दोस्तों ये है होम स्टे, जो हमने होम स्टे लिया। इसमें चारों तरफ देखिए, अभी शायद नज़र नहीं आ रहे हैं, ये सब सेब के पेड़ हैं। दिन में मैं आपको दिखाऊंगा कल, पर ये होम स्टे है। देखिए जो होम स्टे है वो पूरा लकड़ी का बना हुआ है, वुड का बना हुआ है। और अभी अंदर से आपको दिखाता हूँ ये कैसा है। ये देखिए इसकी एंट्रेंस है इस तरीके की, और एंट्रेंस से पहले ही ये वॉशरूम है। भाई छत देखो, छत कोई ज़्यादा ऊंची नहीं है, हाथ लगा के छू सकते हैं। इसका वॉशरूम है, ठीक है यार, बड़ा वॉशरूम है, काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। ये इसका वॉशरूम है, और ये इसकी गैलरी है, देखिए। अच्छा ये कमाल की बात है, देखिए नीचे बैठ के यहाँ खाना सर्व किया जाता है। खाना खाने के लिए किचन है, और ये देखिए सारा लकड़ी का बना हुआ है। और खिड़की ये देखिए बाहर की तरफ, भाई देखो ये पहाड़ के ऊपर से नज़ारा है। देखिए नीचे देखो भाई, ये जो सफ़ेद सफ़ेद से दिख रहे हैं आपको, ये है सेब के पेड़। और सामने वो पहाड़ है, और ये आग लगी हुई है यहाँ पे, देखो सामने आग लगी हुई है। तो अभी तो रात का व्यू इस तरीके से यहाँ से आ रहा है, और सुबह देखेंगे यहाँ पे कैसा व्यू आता है। अंदर बैठने के लिए देख सकते हैं आप, चेयर डाली हुई है, और कोई लेटना चाहे तो वो यहाँ पे लेट भी सकता है। तो कुल मिला के थोड़ा एक अलग ही फीलिंग है, सारा लकड़ी का बना हुआ है, पंखे की ज़रूरत है नहीं क्योंकि यह मौसम ठंडा रहता है। सारा लकड़ी का बना हुआ है, ये देखिए आप, वुड का काम बहुत ज़्यादा इसके यहाँ पे हुआ है। तो ठंडा मौसम है, बढ़िया एकदम। और आप मेरे पीछे देख सकते हो किस तरीके के होम स्टे है, लगभग हम ही लोग यहाँ पे हैं, और तो कोई लोग यहाँ पे आए नहीं, हम तीन लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सात फीट के आसपास इसकी ऊंचाई होगी। एक बेड डबल बेड ये है, और एक सिंगल बेड यहाँ पे लगा हुआ है, यानी तीन लोगों के लिए ये रूम काफ़ी बढ़िया है। भाई ये बैग रख दिए अपने यहाँ पे, सामने खिड़की, पीछे अलमारी, और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है अभी इसके अंदर जाके दिखाते हैं। तो भाई रूम बढ़िया है एकदम, थोड़ी अलग ही फीलिंग आ रही है ऐसे रूम पे। लकड़ी के घर है, पूरा ऊपर से नीचे तक लकड़ी है, नीचे भी देख सकते हो आप वुड है, सारा वुड का ही फ्लोर है, और वुड का ही यहाँ पे छत बनाई। तो भाई हमारा खाना लग चुका है, बैठने की आप यार ये चीज़ देखो यार, बैठने के नीचे बैठ के खाना, जैसे कुछ कश्मीर वगैरह में खाते हैं, आ जा, जैसे कश्मीर में खाते हैं कुछ उस तरीके का खाना है, तो वही फीलिंग आई। कश्मीर में कुछ ऐसे ही खाते हैं नीचे बैठ के, पहाड़ों में ऐसे है ना, या पहाड़ों पे भी ऐसे ही खाते हैं। अच्छा वेरी गुड, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाई, शुद्ध
ऐसा खाना मिल जाए ना तो भाई मजा ना आ जाए। हाँ भाई, खाने के बारे में दो शब्द बोलो, कैसा खाना है? खाना जरूरी है, अच्छा है और खाते ज्यादा पता लग गया। हाँ भाई, खाना खा के ही पता चलेगा। हाँ वो उधर हम ले ले, दे दो आप, पकड़ा दो गिलास में। हमारा खाना आ चुका है, आप देख सकते हो ये आलू मटर की सब्जी और ये चावल है, ये सलाद और ये दाल तड़का। तो भाई खाने के लिए बैठ चुके हैं, भूख लगी है बड़ी जोर से। खाना बहुत अच्छा दिख रहा है देखने में, और नीचे बैठ के खाने का एक अलग ही मजा है। खाना खाते हैं भाई, खाना खा के देखते हैं कैसा।